AI कितना ज्यादा यूजफुल है अब ये आपको भी पता है और हमें भी। तो इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बेस्ट AI टूल को इंटरेस्टिंग टास्क देंगे, वो भी हिंदी में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो फिर आप वीडियो को देखिए, हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है गूगल बार्ड और कोपायलट को यूज करने वाले हैं। बाय द वे चैट जीपीटी 3.5 फ्री है और चैट जीपीटी 4 पेड। अब ये जो कोपायलट है वो चैट जीपीटी 4 पे बेस है, अब इस वजह से जो है हमने इसे ही उठा लिया। अब देखते हैं कि हमारे टास्क को कौन जो है बेटर तरीके से समझ पाता है। अब जो हमारा ये पहला टास्क होने वाला है उसमें ये इमेज को आप देखो पहले, तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चाहो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अब यही टास्क हम जो है गूगल बार्ड और कोपायलट को पूछने वाले हैं। अब इसी इमेज को सबसे पहले गूगल बार्ड में डाल के देखते हैं, तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ऐसे करके हम एंटर कर देते हैं। सॉरी, मैं अभी लोगों की इमेज वाले प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता क्योंकि ये इस इमेज को पहचान नहीं पाया। अब देखते हैं कोपायलट किस तरह से इसे हैंडल कर पाता है। इसे भी यहीं लिखेंगे, तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है। वाह भाई यार, ये कोपायलट में तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पे आप देखो, इसने पूरा ट्रेन ऑफ ड्रीम्स, इसमें एक ट्रेन है और इसका नेम वगैरह, ये कौन सी थीम है पेंट की, सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अगर आप इमेज को देखोगे ना, तो यहाँ पे भी सच बताऊँ तो मैंने जब पहले बार देखा ना इसे, तो मुझे क्या लग रहा था, मुझे ये दोनों जो मेन लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैं इसे फाइंड कर रहा था। तो अब भाई बारी आते हैं दूसरे इमेज की, क्योंकि एक इमेज से तो हम जज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी इमेज को डाल के देखते हैं कि बार्ड और कोपायलट किस तरह से हैंडल कर पाते हैं वन प्लस वाली, तो भी इसे बता देते हैं कि क्या इसे फाइंड करना है। इस इमेज में जो लोगो है वो कौन सी कंपनी का है, ठीक है। और अभी इसे देखते हैं कि ये किस तरह से आंसर करता है। अब इसने बताया कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि यह लोगो किस कंपनी का है, मुझे बस गूगल की सर्च रिजल्ट देखने की अनुमति है। शायद इसने कुछ अलग समझ लिया इस लोगो को, ऐसे स्पाई ऐसा कुछ अलग ही इसने समझ लिया था, अभी ये सब बता रहा है, फिर भी इसने बताया नहीं। अभी देखते हैं कि कोपायलट इसे किस तरह से हैंडल कर पाता है, तो कोपायलट में भी इसको डाल के देखते हैं, ठीक है। वैसे इसमें कैमरा का भी ऑप्शन है, कैमरे से भी आप फोटो खींच सकते हो। यहाँ से अपलोड करते हैं वो वन प्लस वाली लोगो, पूरा इसने क्लियर कर दिया, ठीक है, क्या है सब कुछ लिख दिया, कौन सी कंपनी का है सब कुछ, ठीक है। वहाँ यार लोगों के पीछे बैकग्राउंड नहीं है, सब कुछ इसने बता दिया। यहाँ पे देखो, मैं एक PNG डाला था, ठीक है, तो इसने सारा का सारा आपको इन डिटेल बता दिया है। तो इमेज के मामले में भाई बताना पड़ेगा कोपायलट एकदम शानदार लग रहा है। अब हमारे नेक्स्ट टास्क में पता चलेगा कि कौन PDF को बेस्ट तरीके से समराइज कर सकता है। अब पहले आपको बता देता हूँ कि जो गूगल बार्ड है वो PDF को समराइज अभी तो नहीं कर पा रहा, फिलहाल ऐसा कोई मुझे फीचर दिखा नहीं, ठीक है। और कोपायलट में आपको करना है, तो उसके लिए आपको जो है एज ब्राउजर में जाना होगा, तो जहाँ पे भी आपकी PDF है उसे जो है एज में ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कोपायलट वाला, और यहाँ पे जनरेट डॉक्यूमेंट समरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये इजीली आपको काफी बेटर तरीके से समराइज करके दे देगा पूरी PDF। तो ये फीचर मुझे अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको जो है एज को नहीं यूज करना है, ठीक है, आप एज यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये क्लाउड करके कोई AI है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो PDF को, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखो भाई, काफी मस्त तरीके से ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है, काफी मस्त यहाँ पे आपको समरी जनरेट करके देने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको एज वगैरह को यूज नहीं करना, आप नहीं कर रहे हो, तो इस क्लाउड को एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हो। वैसे ये ऑफकोर्स फ्री वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट मिलती है, दिन की आप उतनी बार ही यूज कर पाओगे, ठीक है, फ्री वाले वर्जन में। सुनो के साथ में माइक्रोसॉफ्ट वाला की पार्टनरशिप है, तो इस कोपायलट की मदद से आप जो इसमें सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो, सॉन्ग जनरेट कर सकते हो बेसिकली। अब हमारे नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। अब ये YouTube वीडियो और आर्टिकल को भी समराइज कर सकते हैं गूगल बार्ड और कोपायलट दोनों, ठीक है, समझ गया। तो देखते हैं कौन बेहतर तरीके से कर पाता है। तो सबसे पहले YouTube वीडियो के एक लिंक कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरह से पेस्ट करनी है, समराइज दिस वीडियो, ऐसा कर देते हैं। देखो ये इसका थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, काफी बेटर है वैसे तो ये। अभी कोपायलट में भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ किसका बढ़िया है, ठीक है। क्या टाइप कर रहा है ये, कुछ और ही टाइप कर रहा है आई थिंक, ठीक है। मैंने वैसे ये पूरा वीडियो नहीं देखा, बट ये कुछ यहाँ पे और ही उल्टा सुल्टा बक रहा है। तो ये तो यार इसको टोटली मैं फेल करना चाहूंगा। ये कोई भी लिंक डालते हो, ये नहीं, कोई भी लिंक डालते हो तो उसमें ये यही करता है, ठीक है, कुछ भी रेंडम उठा के डाल देता है। और एक बात मैंने नोटिस की कि जो हिंदी लैंग्वेज वाले वीडियो होते हैं ना, वो
गूगल बार्ड भी ठीक से समराइज नहीं कर पाता जो यूट्यूब वीडियो होते हैं ना, वो केवल इंग्लिश वाले में ही अभी तो अच्छा चल रहा है, मैंने ट्राई किया है, ठीक है, हिंदी में तो मेरा एक भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पे एक आर्टिकल को डाल के देखते हैं कि क्या होता है, समराइज दिस आर्टिकल। अब देखते हैं कि ये इस वाले आर्टिकल को किस तरह से समराइज कर पाता है, ठीक है। वाह भाई यार, ये सच में यार, ये समराइज वाली ये जो आर्टिकल और यूट्यूब वाला है ना, इसमें तो काफी बेटर वर्क कर रहा है। अब इसमें डाल के देखते हैं कोपायलट में कि क्या होता है। हाँ भाई ये भी कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल को तो ये भी सही से कर पा रहा है, और इसने भी भाई सही से जो आर्टिकल को समराइज कर दिया है, बट फिर भी ये गूगल बार्ड का मुझे थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट लग रहा है। ठीक है वैसे दोनों का, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं लगी। अब ये कोपायलट की और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ से आप जो इसे ऑन कर सकते हो, शो कोपायलट प्रीव्यू, और अब ये चीज यहाँ से भी आप शॉर्टकट में कर सकते हो, और ये काफी यूजफुल चीज है। अब डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये जो कोपायलट है ना, वो थोड़ा सा इसे क्रिएटिव टाइप का है, ठीक है, और कोडिंग वगैरह में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो ये उस हिसाब से एक तरह से देखेंगे तो ये सही है ऑल ओवर मामलों में, ठीक है। इमेज वगैरह हो गया या फिर किसी भी चीज को आपको इसे पूछना हो, आपके माइंड में कोई इस क्वेश्चन है, तो ये बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है, ठीक है। अब ये गूगल बार्ड भी कोई कम नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन को जानना हो या फिर ऐसे कोई माइंडफुल क्वेश्चन हो गया तो उसे सोल्व करना हो या फिर रिसर्च करना हो कोई भी चीज पे, तो ये कोपायलट से बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है वो सारी रिसर्च वाली चीजों को। बाकी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से किसका रिस्पॉन्स रहा, वैसे आप भी कॉमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा बढ़िया लगता है इन दोनों में से। अब यही था, ठीक है भाई, अब मैं लाइक कर दो, सॉरी मतलब कि आप लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।